नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री का ये थ्योरी क्लास 71 है। टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का इतिहास और गुलाम वंश भाग फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का इनकी दिल्ली का इतिहास, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ठीक है, तो गुलाम वंश की जो है जो स्थापना, दिल्ली सल्तनत का शुरुआत और गुलाम वंश का इसमें स्थापना, ये आज का टॉपिक है। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, दिल्ली का इतिहास, कैसे दिल्ली जो बनी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, नींव कैसे पड़ी और दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत को किसने स्थापित किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जेरफ पार, ठीक है, अब की बार नेट जेरफ पार। तो दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम शुरू करने वाले हैं आज। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास, वैसे तो अगर देखा जाए इतिहासकार जो है दोस्तों वो इस्लाम के उदय से मध्यकालीन इतिहास को शुरू करते हैं, परंतु अगर देखा जाए तो दोस्तों भारत के संदर्भ में, ठीक है, भारत संदर्भ में सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक होता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत का इतिहास। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो वंश था वो था दास वंश या स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, जिसका जो राज्य विस्तार था आप इसमें देख सकते हैं, लाहौर से लेकर, ठीक है, सिंध, बनास की घाटी, उज्जैन और बंगाल, ठीक है, यहां तक फैला हुआ था। ठीक है, यहां तक गुलाम वंश का 1206 तक और 1206 के बाद में, ठीक है, यहां तक दोस्तों उन्होंने विजय कर ली थी। ठीक है, जब 1206 में गौरी की मृत्यु हुई तो भारत का जो जीते हुए राज्य थे उस पर जो उसका जो दारमदार या दायित्व संभाला वो संभाला कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं जा बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां का भार संभाल लिया। ठीक है, तो कैसे कैसे तो भार संभाला, उससे पहले हम दिल्ली का इतिहास जानेंगे, तो दिल्ली कैसे बनी, किस किस ने राज किया और 1206 तक दिल्ली जो है कैसे कैसे अपने अस्तित्व को बचाती आई। ठीक है, दिल्ली के शासक और जो गुलाम थे कितने थे, देखो दोस्तों, मामलूक वंश या दास वंश, फिर उसके बाद में खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर आया अफगान लोदी वंश। ठीक है, इन सभी को पढ़ेंगे हम सल्तनत काल में। सल्तनत काल दिल्ली 1206 से 1526, ठीक है, 1894 ईस्वी में चंदावर युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम शासक साम्राज्य चारों तरफ फैल गया, पूरे भारत में नहीं था, जहां तक दोस्तों उन्होंने राज्य को जीता था वहां तक उन्होंने अपना राज्य विस्तार मजबूती से कर लिया। ठीक है, आप सभी को ये पीडीएफ में मिलेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है,
दिल्ली सल्तनत काल की दोस्तों कुछ प्रमुख विभाग हमें पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि दीवाने खैरात, दीवाने कोई, दीवाने रियासत, दीवाने अर्ज, ठीक है, ये सब कुछ बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और दोस्तों गुलाम वंश को जब हम पढ़ेंगे तो उसके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो शासक थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, उसके बाद में इल्तुतमिस आया, फिर रजा सुल्तान, फिर दो चार जो है उनका उल्लेख करना थोड़ा ठीक नहीं होगा क्योंकि सवाल भी नहीं आते हैं, फिर बलबन, नसुद्दीन महमूद, फिर उसके बाद में बलबन, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है दोस्तों शासक थे जहां से सवाल बनते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई दिल्ली सल्तनत का स्वरूप कैसा था। स्वरूप आप समझ रहे होंगे भाई दिल्ली उस समय कैसी थी, ठीक है, इतिहासकारों ने उसका स्वरूप कैसे बताया है, ठीक है। तो पीएम चोपड़ा, देखो यहां से एक सवाल पक्का बनेगा, याद रखिएगा, और देखो जैसे ही हम पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा भाई क्यों इम्पोर्टेंट था, ठीक है। सवाल आया था तो पीएन चोपड़ा के अनुसार पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्मतांत्रिक थियोक्रेसी थी। दोस्तों देखो सवाल ऐसे बनता है कि किसके अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्मतांत्रिक थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीएन चोपड़ा के अनुसार थियोस धर्मतंत्र का आशय है राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा पुरोहित वर्ग के माध्यम से शासित है, ठीक है। हरिश्चंद्र वर्मा महोदय के अनुसार, जिनकी सल्तनत काल भाग फर्स्ट में कहा गया है कि हरिश्चंद्र वर्मा महोदय के अनुसार दिल्ली सल्तनत शरियत एवं इस्लाम से प्रभावित राज्य नहीं था बल्कि राजनीतिक से प्रभावित धर्म निरपेक्ष लौकिक राज्य था, ये आ चुका है एग्जाम में। वही सतीश चंद्र महोदय, ये बड़े बड़े इतिहासकार हैं, सतीश चंद्र महोदय का मानना है कि तुर्क राज्य सैन्यवादी, तुर्क राज्य कौन था, देखो गजनवी और मोहम्मद गौरी कौन थे, ये दोनों तुर्क थे, जबकि अरब कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम अरब था, अरब का था, ठीक है, इसलिए उसको अरबी बोला गया है। अरबियों में और तुर्कों में उसको लड़ाई हो रही थी, ठीक है, तो आखिर में आकर तुर्कों ने अरबों पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, जब मोहम्मद गौरी का शासन आया गजनी पर, तो उसका भाई था ग्यासुद्दीन, ग्यासुद्दीन को कहा कि भाई तुम जो है पश्चिम की तरफ जाओ, यूरोप की तरफ जाओ, समझ से विस्तार करो, और मैं पूरब की तरफ जाता हूँ। तो मोहम्मद गौरी जो है दोस्तों पूरा यानी कि भारत तरफ आया, ठीक है। तो सतीश्चंद्र महोदय का मानना है कि तुर्क राज्य सैन्यवादी, अभिजातवादी एवं औपचारिक अर्थ में इस्लामी ही था, क्योंकि दोस्तों जो तुर्क थे वो नए मुसलमान थे और अपने आप को एक ऐसा मुसलमान या इस्लाम के रक्षक दिखाना चाहते थे ताकि उनका लोग सम्मान कर सकें। तो वो जो है दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भाई जो नए मुसलमान है वो वास्तव में ही पक्के मुसलमान है, और इसलिए उन्होंने चारों तरफ इस्लाम धर्म का चलाना शुरू कर दिया, प्रसार करना शुरू कर दिया, ठीक है, मार काट या प्यार मोहब्बत के जरिए उन्होंने जो है इस्लाम को चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया, ठीक है। जब मोहम्मद गौरी भारत की तरफ आया तो उसका उद्देश्य दो थे, पहला राज्य विस्तार करना या दूसरा और राज्य विस्तार करके भारत में अपनी सत्ता का स्थापना करना, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रसार करना, दोनों उसके उद्देश्य थे। इतिहासकार के निजामी के अनुसार दिल्ली सल्तनत एक पुलिस राज्य था, ये आ चुका है, जिसकी शक्ति एवं दुर्बलता का आधार सुल्तान का व्यक्तित्व था। वही आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव
दिल्ली सल्तनत को सैनिक राज्य मानते हैं क्योंकि यह राज्य जनता की स्वीकृति पर आधारित न होकर शक्ति पर आधारित था। मुल्तान को शरीयत के पूरक के रूप में अपने नियम कायदे जवाबित बनाने पड़ते थे। ये भी आ चुका है एग्जाम में, जवाबित क्या था दोस्तों, नियम कायदे शरीयत के अनुसार जो नियम कायदे बनते थे उनको क्या बोला गया है, जवाबित बोला गया है। ये आ चुका है एग्जाम में, जवाबित कभी कभी शरीयत के विपरीत भी हो जाते थे। इसी कारण इतिहासकार बर्नी ने भारतीय राज्य को सच्चा इस्लामी राज्य न मानकर दुनियावी सोचों जहांदारी पर आधारित राज्य माना था। वर्नी ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का मत था कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। ये भी आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। वस्तुत दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक राज्य ही था, यद्यपि यह सुल्तान के ऊपर निर्भर था कि धर्म निरपेक्षता से कितना प्रभावित था, ठीक है। तो इसमें से एक सवाल जरूर आता है, दिल्ली सल्तनत का दोस्तों ये स्वरूप था, ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में शरीयत की दशा कैसी थी। देखो दोस्तों, जब हमने अरब गजनी की बात की, ठीक है, तो वहां भी हमने जब इस्लाम की बात की, जब इस्लाम की उदय की बात की, तो इस्लाम के प्रमुख जो अंग थे, प्रमुख जो स्तंभ थे, प्रमुख जो तो आधार थे, वो पांच थे, ठीक है। इसमें खलीफा, शरीयत, ठीक है, तो शरीयत भी एक चीज थी जिसके अनुसार कानून बनते थे, ठीक है, जिसके अनुसार बादशाह जो सुल्तान अपना नियम बनाता था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने शरीयत के अनुसार कार्य किए, जैसे कि फिरोज तुगलक, ठीक है, याद रखिएगा, फिरोज तुगलक ने शरीयत के अनुसार कार्य किया। इसने कुतुबुद्दीन नामक मेहदी को इसलिए मृत्युदंड दे दिया क्योंकि उसकी कुछ बातें इस्लाम से मेल नहीं खाती थी। ये भी आ चुका है एग्जाम में, याद करिएगा। फिरोज तुगलक ने शासन उलेमाओं के परामर्श के आधार पर ही किया, ठीक है। तो दूसरी तरफ कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने उलेमाओं की बात नहीं मानी। दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी भी है जिसने बयाना कि काजी मुगीसुद्दीन ने साफ साफ यह कह दिया कि मैं यह नहीं जानता कि क्या शरीयत के अनुकूल है और क्या प्रतिकूल, ठीक है दोस्तों। किससे कहा था, बयाना, आगरा के पास से बढ़ता है, बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से कहा कि मैं यह नहीं जानता कि शरीयत के जानता कि शरीयत के अनुकूल है या प्रतिकूल, जो भी मैं राज्य के हित के लिए बेहतर समझूंगा वह नियम बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। उसने जो है धर्म का साक्ष नहीं लिया, उलेमा का समर्थन नहीं किया, उसने यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इससे दूरी बनाए रखी। यह राजनीति से धर्म के पृथक्करण की पहली अभिव्यक्ति थी। अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं खलीफा के नाम का सहारा लिया, न इस्लामिक सिद्धांतों का सहारा लिया और न ही शासन में उलेमा वर्ग से सलाह ली। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इसको कह सकते हैं अच्छा भी था और खतरनाक भी था। ये सर्वप्रथम उसी ने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का शुद्ध पात किया, याद कि दोस्तों उसने धर्म को एक तरफ करके जो है राज चलाया था, ठीक है। बात करते हैं भाई कि दिल्ली सल्तनत में जजिया कर था वो था या नहीं था, किस किसने लगाया कर था, तो ठीक है तो ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से सवाल जरूर बनते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जजिया था या नहीं था, था तो किसने लगाया, ठीक है भाई। अगर बात करें भाई, सबसे पहले जजिया किसने लगाया, ठीक है, भारत में, तो किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने, कहां लगाया, सिंध के देवल में, ठीक है।
इस्लामिक राज्य में सिर्फ मुसलमानों को ही रहने की इजाजत थी, याद रखिएगा दोस्तों, पर इस्लामिक जो राज्य है उसमें केवल मुसलमान ही रह सकते थे। यदि इस धर्म से अन्य कोई रहेगा, अगर इस राज्य में, इस्लामिक राज्य में दूसरा धर्म वाला कोई व्यक्ति रहेगा तो उसे क्या कहा गया था? जिम्मी, याद रखिएगा, जिम्मी, जिम्मी, ठीक है, कहा जाएगा और उसे जजिया कर देना पड़ेगा। इसलिए उसके घर की रखवाली के लिए उसके दोस्तों जो उसके पास जो पशु वगैरह हैं या घर वगैरह है या अपनी उसकी फैसिलिटी के लिए या उसकी जिम्मेदारी के लिए जजिया कर देना पड़ेगा, ठीक है, जिम्मी। इसके बाद इस्लामिक राज्य में रहकर अपने धर्म का पालन कर सकते थे, यानी कि दोस्तों अगर वो हिंदू है इस्लामिक राज्य में रह जाता है उसको जजिया कर देना पड़ेगा और वो जिम्मी कहलाएगा। हालांकि जजिया को बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए क्योंकि ऐसा ही कर गढ़वालों ने अपने राज्य में रहने वाले मुस्लिमों पर तुरुष्क दंड के रूप में लगाया था, ठीक है। तुरुष्क दंड ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई गैर हिंदुओं पर, गैर हिंदुओं पर कर लगाने वाला गढ़वाल शासक शासक थे और उस कर को क्या बोला गया था? तुरुष्क दंड। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवर में जजिया कर लगाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने जजिया को खराज से निकालकर पृथक कर बनाया, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है भाई। अगर हम जजिया की बात करें तो जजिया क्या था? किसी इस्लामिक राज्य में रहने पर जो गैर इस्लामिक था उसे कर देना पड़ता था, परंतु फिरोज तुगलक ने जजिया को खराज बुरज से निकालकर पृथक कर बना दिया और उसे ब्राह्मणों पर भी लाद दिया जिससे अभी तक वे मुक्त थे। फिरोज तुगलक द्वारा जजिया लगाए जाने पर दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी। अंत में दिल्ली के नागरिकों ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय किया, ठीक है। सिकंदर लोदी ने भी जजिया कर लगाया था। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन जिसका काल 1347 से 1358 भारत वर्ष का पहला मुसलमान शासक था, इसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। इंपोर्टेंट है दोस्तों ये जी, बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन या बहमन शाह हसन गंगू, ये जो है बहमनी वंश का संस्थापक था। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया सिकंदर शाह ने लगाया। कश्मीर का अकबर के नाम से विख्यात जैन आबदीन जिसका काल 1420 से 70 ने सर्वप्रथम कश्मीर में जजिया करके निषेध किया था, यह भी आ चुका है एग्जाम में, इंपोर्टेंट है। गुजरात में सर्वप्रथम जजिया अहमद शाह 1411 से 42 के काल में लगाया गया। उसके बाद शेरशाह के काल में जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, 1570 में पूर्ण लगाया तथा 1579-80 में पूर्ण उसको समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया जिसे 1712 में वजीर जुल्फिकार खां एम असद खां के कहने पर जहांदार शाह ने विधिवत इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। फरुखशर ने भी 1713 ईस्वी में जजिया हटा दिया, परंतु 1717 में उसे पूर्ण जजिया लगाया। अतः मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के अनुरोध पर सदा के लिए जजिया कर समाप्त कर दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सवाल आता है कि सदैव के लिए जजिया कर किसने समाप्त किया, तो कौन था दोस्तों? वो था मोहम्मद शाह रंगीला। देखो अभी मैं बात कर रहा था कि भाई इस्लामिक राज्य के अंग कौन कौन थे, खलीफा, सुल्तान, उलेमा, अमीर, मिल्लत, इस्लामिक राज्य के अंग थे, ठीक है। शरीयत क्या था दोस्तों? शरीयत था एक न्याय, न्याय की कानून, उसके अनुसार राज्य को चलाया जाता था, ठीक है। जैसे कि हमारा देश भारत अब संविधान पर चलता है तो वह शरीयत भी एक कानून था।
अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में खलीफा की दशा कैसी थी। खलीफा ठीक है, दिल्ली सल्तनत के शासन का मुख्यालय दार उन खिलाफा खलीफा का घर कहलाता था। ठीक है, यानी कि दोस्तों तो जितने भी सारे काम होते थे वो खलीफा के नाम से होते थे, और जो भी सुल्तान था वह खलीफा को अपना मालिक समझता था। ठीक है, और वह मालिक के नाम पर अपने को कहता था कि भाई खलीफा जो है हमारा भगवान है, मैं खलीफा, मेरे पास खलीफा की मान्यता है, इसलिए मेरी बात मानी जाए। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तशीर से मान्यता प्राप्त की थी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट है, 1229 में। ठीक है, 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तशीर से मान्यता प्राप्त की थी। खिलत उसी ने सर्वप्रथम इस खलीफा के नाम से युक्त सिक्का चलाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश का समकालीन बंगाल शासक गयासुद्दीन था। खलीफा ने दोनों को मानाभिषेक दिया था, अतः कानूनी दृष्टि से दोनों समान थे और खलीफा के नायब थे, लेकिन फिर भी इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन पर आक्रमण कर दिया था। अतः इल्तुतमिश ने स्वयं कभी खलीफा का अधिपत्य स्वीकार नहीं किया। इसके किसी भी उत्तराधिकारी ने खलीफा से मानाभिषेक प्राप्त नहीं किया। इन्होंने केवल सिक्कों एवं खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा था। गढ़मुक्तेश्वर से प्राप्त अभिलेख में बलबन ने स्वयं खलीफा का सहायक कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में। लेकिन मीनार सिराज के अनुसार 1260 ईस्वी में जब हलाकू के प्रतिनिधि भारत आए तो बलबन ने उनके स्वागत की वैभवपूर्ण योजना बनाई, जबकि यही मंगोल हलाकू अंतिम अब्बासी खलीफा की हत्या के लिए जिम्मेदार था। कहने का सार यह है कि तुर्क शासक अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं को ज्यादा महत्व देते थे न कि धार्मिकता को। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को एक ओर तो यामीन उल खिलाफत खलीफा का दाहिना हाथ और नासिर अमीर उल मोमिनीन खलीफा का सहायक के रूप में प्रदर्शित करता है, तो दूसरी ओर हलाकू के वंशज इल खां से कूटनीति संबंध भी बनाता था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने हर प्रकार से खलीफा के नाम का उल्लेख करना बंद कर दिया, परंतु उसके समय लगातार विद्रोह हो रहे थे, अतः उसने शासन के अंतिम दिनों में खिलाफत के प्रति अपनी नीति बदली। उसने समस्त राजाज्ञाएं सुल्तान के नाम से नहीं बल्कि खलीफा के नाम से जारी की। उसने खुतबे और सिक्कों पर से अपना नाम हटाकर अब्बासी खलीफा अल मुस्तकफी बिल्ला का नाम अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा के वंशज को ढूंढना शुरू किया। 1340-41 में उसने मिस्र के खलीफा अल हकीम द्वितीय से मान्यता प्राप्त की। उसने खलीफा के दरिद्र वंशज यासुद्दीन मोहम्मद से स्वयं अनुरोध करके उसके पैर को अपनी गर्दन पर रखवाया, लेकिन विद्रोही शांत होना दूर उल्टे बढ़ ही गया, क्योंकि जो विद्रोह हो रहा था वो शांत नहीं हुआ दोस्तों, उल्टा बढ़ गया। अपने शासनकाल के प्रथम 6 वर्षों में फिरोज तुगलक ने 2 बार मिस्र के खलीफाओं से मान्यता प्राप्त की। इसे खलीफा से सैयद उल सलातीन की उपाधि मिली। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वप्रथम फिरोज ने स्वयं खलीफा का नायब कहा था। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा अमीर उल मोमिनीन का और खलीफतुल्ला अल्लाह का प्रतिनिधि खलीफा एक काबुल की उपाधि धारण करते हुए खलीफा का नाम खुतबों एवं सिक्कों पर से हटा दिया।
कलंतर में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह 1498 से 1513 ने खलीफतुल्लाह की पदग्रहण की। निष्कर्ष क्या हुआ इसका? दिल्ली के सुल्तानों ने खलीफा को केवल नामात का प्रचार माना और खलीफा दिल्ली सल्तनत को वैधानिक रूप से और नहीं व्यवहारिक रूप से प्रभावित कर पाया। व्यवहारिक रूप से सुल्तान की स्थिति एक सार्वभौम सत्ता संपन्न शासक की थी। सुल्तान खलीफा का मातहत नहीं था क्योंकि वह खलीफा को कर एवं सैनिक सेवा नहीं प्रदान करता था और नई नीतियों के निर्धारण में सलाह लेता था। तो ये था कि भाई दिल्ली सल्तनत में जो इस्लाम था, इस्लाम के प्रमुख अंग खलीफा सुल्तान की व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई दिल्ली का इतिहास। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद गौरी तक हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो अब हम वहां से स्टार्ट करने वाले हैं जहां से हमने छोड़ा था। दिल्ली का इतिहास, दिल्ली का इतिहास 7 बार उजड़ी और फिर से आबाद हुई। इंपोर्टेंट दोस्तों, 7 बार उजड़ी और फिर ये इसको बसाया गया। तो आइए दिल्ली के इतिहास में उसकी पृष्ठभूमि पर जाते हैं कि दिल्ली पर सबसे पहले जब इस्लाम धर्म का आगमन भारत में नहीं हुआ था तो किसका शासन था? वो था राजपूतों का। किसका था? राजपूतों का शासन था। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है, किसका हुआ? मुसलमानों का हुआ। ठीक है, मुसलमानों का। ठीक है, ये फिर उसके बाद ब्रिटिश का हुआ। ठीक है, और ब्रिटिश के बाद किसका हुआ? भारतीयों का हुआ। ठीक है, भारतीयों का हुआ, अब कोई जानते होंगे भाई, अब हमारे देश की राजधानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर किसका कब्जा था? राजपूतों का। फिर 1206 में किसका हो गया? मुसलमानों का हो गया। फिर ब्रिटिश का हो गया। फिर भारतीयों का हो गया दोबारा। आइए दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि दिल्ली का इतिहास सबसे पहले राजपूतों से शुरू करते हैं। ठीक है, फिर इस्लाम पर आएंगे, फिर ब्रिटिश पर आएंगे। 8 बार उजड़ी थी, याद रखिएगा। तो दिल्ली संस्थापक अनंगपाल का मूल नाम बिलानदेव था। क्या था दोस्तों? बिलानदेव। दिल्ली के संस्थापक कौन था? अनंगपाल तोमर, याद रखिएगा, अनंगपाल तोमर। अन्य नाम इंद्रप्रस्थ प्राचीन काल में। ठीक है, कुरु की क्या थी राजधानी? इंद्रप्रस्थ। योगिनीपुर, कुब्बतुल इस्लाम, इस्लाम का प्रमुख केंद्र। बगदाद द्वितीय, ठीक है, बगदाद द्वितीय भी इसका नाम था। तोमर वंश के शासक दिल्ली के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ा। ठीक है,
तोमर वंश का शासक दोस्तों तो उसका नाम था दिल्ली, उसके नाम पर दिल्ली पड़ा। पृथ्वीराज रासों में वर्णित कथा के अनुसार किसी लौह स्तंभ के ढीलेपन से दिल्ली का नाम पड़ा। अनंगपाल द्वितीय को लालकोट दुर्ग का अनंगपाल नामक दिल्ली के प्राचीनतम जल निकाय कार्य का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान के बिजौलिया अभिलेख 12वीं सदी में चौहान शासक बिगराज द्वारा दिल्ली का जीतने की चर्चा है। 13वीं शताब्दी के पालम बाउली अभिलेख में दिल्ली को किसी उधारा नाम के व्यक्ति द्वारा निर्मित बतलाया गया है। अभिलेख में तोमर एवं चौहान शासकों के बाद मोहम्मद गौरी से बलबन तक के सुल्तानों की सूची शक कहकर दी गई है। सर्वन अभिलेख 14वीं सदी में दिल्ली के इतिहास के साथ दिल्ली के सुल्तानों को तुर्क कहकर संबोधित किया गया है। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हुआ। ठीक है, जब पृथ्वीराज चौहान को हराया गया। 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में गोरी के राज्य की राजधानी बन गई। मोहम्मद हबीब के अनुसार दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराई युद्ध में जन्म लिया था और 1526 में पानीपत की रणभूमि में कुछ मील दूरी तक अपनी अंतिम सांस ली। डीडी कौशाम्बी के अनुसार दोस्तों ये आ चुका है वक्तव्य। डीडी कौशाम्बी के अनुसार राजधानी केवल तंबू का केंद्र है और सुल्तान के बदलने के साथ ही तंबू बदल जाते हैं। ये भी आ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किला ए राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग के चारों ओर निर्मित भवन मैरोली दिल्ली के 7 नगरों में पहला था, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किला ए राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग के चारों ओर निर्मित भवन मैरोली दिल्ली के 7 नगरों में पहला था, याद रखिएगा। इल्तुतमिश के शासनकाल से दिल्ली को हजरत दिल्ली प्रभावशाली दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा। इस्लामी के अनुसार अरब खुरासान चीन बुखारा तथा अन्य स्थानों से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पंक्ति बनाकर दिल्ली में निवास किया, जैसे पतंगे झुंड के झुंड दीपक घेर लेते हैं। बलबन द्वारा दिल्ली के चारों कोणों भोजपुर पटियाली कंपिल और जलाली में 4 किलो का निर्माण कराया गया। ये भी आ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा, भोजपुर पटियाली कंपिल और जलाली। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में निर्मित श्री दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। श्री दुर्ग दिल्ली की राजधानी गई, यानी कि दोस्तों जो श्री था वो दूसरी दिल्ली थी। ठीक है, दूसरी दिल्ली, पहली दिल्ली कौन सी थी? पहली थी मैरोली, पहला नगर, दूसरा नगर श्री। उसने यहाँ वृत्ताकार अलाई किला या कोसके श्री पुष्के श्री का निर्माण करवाया। इसमें 7 द्वार थे। बर्नी ने श्री को शहर नवनगर की संज्ञा दी। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक दीवार 4 दीवारें का निर्माण करवाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ग्यासुद्दीन तुगलक ने यहाँ तुगलकाबाद शहर बसाया, यह दिल्ली का तीसरा नगर था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां अपना नगर बसाया तो दिल्ली का चौथा नगर था, जहां अपना नगर राय पिथौरा तथा सीरी के मध्य स्थित था। फिरोज तुगलक ने यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर बसाया तो दिल्ली का 5वां नगर था। ठीक है, फिरोजाबाद ही आज का फिरोज शाह कोटला है। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 में यमुना किनारे मुबारकाबाद का निर्माण करवाया। जब शेर सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो यहाँ शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही का नमक नगर बसाया गया, यह छठी दिल्ली नगर था, छठा। ठीक है,
बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में तीन परानगर की स्थापना की। मध्यकालीन भारत का प्रथम और एकमात्र हिंदू राजा हेमू था, जिसने 1556 में दिल्ली के राज शासन पर अधिकार किया। शाहजहां ने 1638 में शाहजहांआबाद की नगर की नींव डाली। 1648 में इसमें मुगलों की अंतिम राजधानी बनाया गया। ठीक है, 1648 में इसको मुगलों की अंतिम राजधानी बनाया गया, क्योंकि तो दोस्तों इससे पहले आगरा मुगलों की राजधानी थी। लॉर्ड लेक ने 1 नवंबर 1803 को लसवाड़ी में सिंधियों की सेना को तहस नहस कर अलीगढ़, दिल्ली एवं आगरा पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित किया। दिल्ली की इमारतों को ही केंद्र में रखकर सर सैयद अहमद खान ने आशा उस्मानदीद की रचना की। 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया। यहाँ पर कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी बनाने का फैसला किया गया, घोषणा हुई। इसका क्रियान्वयन 1912 में वायसराय लॉर्ड फोर्टिंग, इसका कार्यकाल 1910 से 16 था। इस समय नई दिल्ली के स्थापत्यकार सर एडविन ल्यूटन्स थे। इम्पोर्टेंट दोस्तों ये, ठीक है, सर एडविन ल्यूटन्स नई दिल्ली के स्थापत्यकार, बहुत शानदार बनी हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मध्यकालीन इतिहासकारों के द्वारा दिल्ली का स्वरूप कैसा था। तो जो भी मध्यकालीन इतिहासकार हुए उनके अनुसार दिल्ली का स्वरूप कैसा था, तो अमीर खुसरो किरार उस सादेन में दिल्ली को हजरत दिल्ली, प्रभावशाली दिल्ली के अगर संबोधित करते हैं, याद रखिएगा अमीर खुसरो किरार उस सादेन में। तो अमीर खुसरो दोस्तों अपनी पुस्तक किरार उस सादेन में दिल्ली को सच दिल्ली, प्रभावशाली दिल्ली के कर संबोधित करते हैं। उनके अनुसार दिल्ली ज्ञान और कर्म के सम्मिश्रण से चलते ठीक बुखारा जैसी थी। यहाँ के राजगीर एवं संगतराज समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले शिल्पकारों से उन्नत थे। या किसने कहा दोस्तों, ये कहा था अमीर खुसरो ने। बर्नी कहता है कि दिल्ली बगदाद की ईर्ष्या, काहिरा की प्रतिद्वंदी तथा कुस्तुन दुनिया के समकक्ष थी। मंगोलों के कारण अजम इराक एवं ईरान में फारसी संस्कृति को गहरा धक्का पहुंचा। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, इराक एवं ईरान में फारसी संस्कृति को बोला गया है अजम। जब उसके सभी केंद्रों का अंत हो चुका था तब दिल्ली फारसी परंपरा के अंतिम केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुई। वर्नी ने दिल्ली सल्तनत को एक नगरीय शासन व्यवस्था माना। इशामी के अनुसार दिल्ली शहर के प्रत्येक मोहल्ले में एक ज्योतिषी जरूर पाया जाता था। इशामी कहता था, तो ये इंपोर्टेंट याद करिएगा। हिंदुस्तान तीसरी सदी में ईरान के ससानी या ससामनी शासकों के अभिलेखों में देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। ये इंपोर्टेंट आ चुका है कई बार जब में, ठीक है, ससामनी या ससानी। अमीर खुसरो भारत को हिंद, तो इशामी ने हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। अमीर खुसरो के अनुसार हम भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, जबकि दूसरे लोगों को यहाँ आना पड़ता है। उन्होंने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। अमीर खुसरो के अनुसार हिंद ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र, शतरंज का ज्ञान दिया है। तो इसामी ने हिंदुस्तान का गुणगान निम्नलिखित रूप में किया कि मुल्क के हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, कुछ फरदौस स्वर्ग भी इस बगिया से रस्क करे है। इसका इलाका धरती के माती का गहना है, जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का तिल हो।
अब हम बात करते हैं भाई दिल्ली सल्तनत शासन करने वाले वंश। पहला वंश था मामलुक वंश 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 51 तक, अफगान वंश लोदी वंश 1451 से 1526 तक। ठीक है, अंतिम सल्तनतकालीन शासक कौन था? इमरान लोदी, जो 1570 से 1556 था। ठीक है, ये दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में हार गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया था। तो अब हम शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, ठीक है, तो उसके जो जीते हुए राज्य थे भारत में, उसका दायित्व जो संभाला वो संभाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इसने दोस्तों अभी तक अपने आप को 1194 से और 1206 तक इसने अपने आप को एक दासी माना, परंतु 1206 के बाद में कहानी बदलती है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला जो तुर्की शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी ने दास वंश या मामलुक वंश की स्थापना की। ठीक है, या इसको इलबारी वंश भी कहते हैं। ठीक है, ये तो कुछ स्लाइड है, जैसे कि 800 साल पहले सल्तनत काल में सैन्य अधिकारियों की रैंक क्या थी? दो तरह की सेनाएं होती थी, एक सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली सेना, इसको बोला गया है हसम ए कल्ब। ठीक है, हसम ए कल्ब, और दूसरी प्रांत सेना हसम ए बतरब। वर्णी के अनुसार सल्तनत की सेना का वर्गीकरण निम्नलिखित था। सल्तनत दोस्तों केंद्रीय सेना, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेना होती है एक तो, और एक होती है स्टेट लेवल की सेना। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो केंद्र सत्ता थी उसकी जो सेना थी उसमें सरखेल जो अधिकारी था वो 10 घुड़सवारों का प्रधान था। ठीक है, सिपहसालार जो अधिकारी था वो 10 सर खेल को खेलों का प्रधान था। ठीक है, और जो अमीर नाम का अधिकारी था वह 10 सिपहसालारों का प्रधान था, और अमीर मलिक वह 10 अमीरों का प्रधान था। खान की पदवी किसको मिलती थी? 10 मलिकों का प्रधान, और सुल्तान सभी खानों का प्रधान या सर्वोच्च सेनापति होता था। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो सबसे छोटा कौन था? सर खेल अधिकारी। उससे छोटे कौन थे? घुड़सवार थे। मध्यकालीन इतिहास सल्तनत काल 1206 से 1556 ईस्वी दिल्ली सल्तनत को हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप ये देखिए दोस्तों, ये सिंधु नदी है। ठीक है, यहाँ पर तो सिंधु नदी के पूर्व में उज्जैन भी था इसमें, ठीक है, ताम्रलिप्ति भी था, बोध गया भी था, सब जो है सल्तनत काल का हिस्सा था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ते हैं। तो दोस्तों उससे पहले जान लेते हैं कि भाई दिल्ली पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे। ठीक है, दिल्ली पर शासन करने वाले वंश कौन से थे? ठीक है, तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य में मामलुक सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों को निम्नलिखित नामों से पुकारा गया। पहला जो वंश था वो था दास वंश या गुलाम वंश। ठीक है, जो मामलुक थे, हालांकि यह कहना सही नहीं है कि क्योंकि ऐबक इल्तुतमिश दासता से मुक्ति पा चुके थे, वही बलबन नहीं, अतः इस कालावधि के सभी शासक गुलाम नहीं थे। इलवारी वंश, वो तो गुलाम वंश को
का जो नाम था दास वंश से गुलाम वंश, ठीक है, फिर गिलवारी वंश, यह भी कहना तक संगत नहीं क्योंकि ऐबक मूल रूप से तुर्क था, इलबारी नहीं, वही इल्तुतमिस इलबारी तुर्क था। बलबन स्वयं को इलबारी तुर्क कहता है पर उसका दरबार इतिहासकार मीनार जो तथ्य देता है उससे यह सिद्ध नहीं होता। प्रथम इलबारी वंश का संस्थापक इल्तुतमिस था, ऐबक नहीं। वही बलबन को तृतीय इलबारी वंश का संस्थापक माना जाता है। मामलुक शासक मामलुक वंश, यह कहना ज्यादा सही है क्योंकि स्वतंत्र माता पिता की संतान जो आगे चलकर दास बन जाते हैं उन्हें मामलुक कहते हैं। प्रोफेसर अलीमुल्ला ने मिस्र के इतिहास के उदाहरण से लेकर यह नाम कर दिया। इतिहासकार अजीज अहमद 1286-1290 के सुल्तानों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासक कहा तो वही कुछ इतिहासकारों ने इस शताब्दी के सुल्तानों को आदि तुर्क कहा है, ठीक है। कुछ इतिहासकारों तो इसको पठान युग बोलते हैं, पठान युग क्यों बोलते हैं, 1206 से 1526 के बीच की कालावधि को पठान युग कहना गलत है क्योंकि केवल एक वंश जिसने 1451 से 1526 के बीच राज्य किया पठान नस्ल का था, ठीक है। इसका शुद्ध नाम दिल्ली सल्तनत का युग कहना ज्यादा सही है क्योंकि इस अवधि में अधिकांश दिल्ली ही सल्तनत की राजधानी रही। दूसरे यह भी परंपरा रही कि साम्राज्य को उसकी राजधानी के नाम से संबोधित किया जाए, जैसे विजयनगर साम्राज्य, मथुरा की सल्तनत, ठीक है। 1206 से 1290 के बीच तीन राजवंशों ने दिल्ली पर शासन के निर्णय किए हैं। पृथ्वी वंश जो 1206 से 1210 संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। शमसी वंश 1210 से 1265 संस्थापक इल्तुतमिश था। बलबनी वंश 1266 से 1290 संस्थापक कौन था, बलबन था। उपरोक्त तीनों वंशों को सामूहिक रूप से मामलुक वंश में इतिहासकारों ने सम्मिलित किया है। तो सबसे पहला मामलुक का गुलाम शासक था, उसका पहला जो शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका समय 1206 से 1210 ईस्वी। उसके बाद बैठता है आराम शाह, इसका काल 1210 छह महीने के लिए बना। फिर इल्तुतमिश बना, इसका काल 1210 से 1226 ईस्वी। फिर रुकनुद्दीन फिरोज, इसका काल 1236 ईस्वी, ठीक है, रजिया से पहले था ये। उसके बाद रजिया सुल्तान, इसका काल 4 साल 1236 से 1240 ईस्वी। फिर बहराम शाह 2 साल के लिए बना, 1240 से 1242 ईस्वी। इसके बाद मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी 4 साल के लिए बना, 1242 से 1246 ईस्वी। नसुद्दीन महमूद, ठीक है, ये कम से कम तो 19 साल के लिए बना, 1920 साल के लिए। बलबन, इसका भी लगभग काल दोस्तों 21 साल है, 1266 से 1287। फिर कैकुबाद 87 से 90, ट्यूमर्स और कैकुसरो। कैकुसरो दोस्तों शासक नहीं बनता परंतु उसका नाम लिया जाता है, ठीक है। ये गुलाम वंश था। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत पर आया वो था खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। पहला शासक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। इब्राहिम रुकनुद्दीन 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। सियाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी। मुबारक शाह है
1316 से 1320 ईस्वी नसरुद्दीन खुसरो एक खिलजी शासक नहीं था 1320 ईस्वी के बाद तुगलक वंश आया, ठीक है, तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी, ठीक है। तो पहला शासक कौन था, संस्थापक कौन था इसका, यासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इसका समय 1325 से 1351 ईस्वी, इसके बाद फिरोज तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी, यासुद्दीन तुगलक सेकेंड है तुगलक शाह 1388 से 89, फिर अबू बकर शाह है इसका काल 1389 से 1390, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94, ठीक है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह है 94, नसरुद्दीन महमूद तैमूर लंग इसके काल में आया था, तो ठीक है तैमूर लंग ये अंतिम था 1394 से 1412 ईस्वी। इसके बाद में पठान आते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के पठान, सैयद वंश ये 1414 से 51 तक बैठते हैं, खिजर का संस्थापक था 1414 से 1421, इसके बाद मुबारक शाह है, फिर ये बैठता है 1421 से 1434 ईस्वी, इसके बाद मोहम्मद शाह है 1434 से 43 ईस्वी, आलम शाह है 43 से 51 ईस्वी, ये आ चुका है कई बार एग्जाम में। इसको समाप्त करने के बाद में लोधी वंश बैठता था, तो लोधी वंश ठीक है पहले लोधी संस्थापक 1451 से 89 ईस्वी, सिकंदर लोधी इसने 1506 में आगरा की स्थापना की थी, ठीक है 1489 से 1517 ईस्वी, फिर आखिर था इब्राहिम लोधी जिसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी, यह 1512 से 1526 ईस्वी था, ठीक है, ये राजवंश था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इनके बारे में, जैसे कि तुगलक वंश में नसरुद्दीन महमूद नसरत शाह ने एक साथ एक दूसरे के समांतर शासन किया, यदि नसरत शाह को भी शामिल कर लिया जाए तब मुसलमान सुल्तानों की संख्या 33 हो जाएगी, इसमें एकमात्र महिला शासक रजिया थी। बार 6 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर कुल 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया, इसमें सर्वाधिक समय तक तुगलक 94 वर्ष, सबसे कम शासन खिलजी 30 वर्ष का रहा, शासकों में बहलो लोधी 38 वर्ष ने सर्वाधिक समय तक शासन किया, तदुपरांत फिरोज तुगलक का कार्यकाल रहा इसने 37 वर्षों तक शासन किया। बार 36 से 1296 ईस्वी तक कुल 10 सुल्तानों ने शासन किया, 1236 से 1240 ईस्वी की अवधि में 5 सुल्तान बनाए गए। नसरुद्दीन खुसरो शाह है, यासुद्दीन तुगलक नसरुद्दीन खुसरो शाह है, यासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी, ये सुल्तान हिंदू माँ की संतान थे, ये भी इंपोर्टेंट याद करिएगा, नसरुद्दीन खुसरो शाह है, यासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोधी ये हिंदू माँ की संतान थे। सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था, ठीक है, उसका साम्राज्य कुल 23 प्रांतों में विभाजित था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था, जो कि तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था, यह तुर्की था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था, जो लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था।
मोहम्मद हबीब के अनुसार मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास शेख मुहिउद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ प्राचीन खिलजी से प्रारंभ होता है। तो अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, क्योंकि ये पहला सुल्तान था, पहला ठीक है पहला बादशाह था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करते हैं जो 1206 से 1210 शासन करता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर शासन करने वाला पहला तुर्की शासक 1206 से 1210 ईस्वी। मामलूक वंश, ठीक है, तीन वंश हुए। पहला था कुतुबी वंश, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा आराम शाह इसका बेटा था। ठीक है, इसके बाद तो दूसरा राजवंश है शम्स राजवंश, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, नसुद्दीन महमूद। ठीक है, उसके बाद तीसरा राजवंश था बलबनी, यसुद्दीन बलबन, मुद्दुल कैकुबाद और क्यूमर्स और क्यूमर्स। ठीक है, ये आए याद रखिएगा इनको। तो अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, इसकी उपाधि क्या थी? लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, पील बख्श, हातिम दुत्य और कुरान खां। इसको जो कुरान दोस्तों वो मुंह जवानी याद थी। प्रारंभिक जीवन, कुतुबुद्दीन ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। उसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। बचपन में ही वह अपने परिवार से बिछड़ गया था। उसे एक व्यापारी द्वारा निशापुर से निशापुर के बाजार में लाया गया, जहां काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, जो इमाम अबू हनीफा के वंशज थे, ने खरीद लिया। उस समय तुर्कों में अपने गुलामों को योग्य बनाने की परंपरा थी। वे अपने गुलामों को साहित्य, कला और सैनिक शिक्षा प्रदान करते थे। अतः काजी ने अपने पुत्र की भांति ऐबक की परवरिश की तथा उसके लिए धनुर्विद्या व घुड़सवारी की सुविधाएं उपलब्ध कराई। कुतुबुद्दीन ऐबक बाल्यकाल से प्रतिभा का धनी था। उसने शीघ्र की सभी कलाओं में कुशलता प्राप्त कर ली। अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ना सीख लिया, इसलिए वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से जाना गया। कुछ समय बाद काजी की मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने ऐबक को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया, जो उसे गजनी ले आया और मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। यहीं से उसके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होता है, जिसने अंत में दिल्ली के शासन पर को बैठा दिया। ठीक है, अब दोस्तों जब वो बैठ गया दिल्ली, ठीक है, जब दिल्ली वो मोहम्मद गौरी के साथ में आया, तो उसने जो वहां पर राज्य स्थापित किया तो किस तरीके से किया, किस नाम से किया? तो मोहम्मद गौरी के सहायक के रूप में, ठीक है, मोहम्मद गौरी के सहायक के रूप में, ना कि सुल्तान के रूप में। कुतुबुद्दीन ऐबक में समस्त प्रशंसनीय गुण प्रभावित करने वाले तत्व विद्यमान थे। गौरी के दास परिवार में सम्मिलित होने के बाद उसने अपनी बुद्धिमानी, साहस और उदार प्रकृति से स्वामी का ध्यान, इनकी मोहम्मद गौरी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसकी भक्ति प्रायण उदारता व साहस से वह इतना प्रभावित हुआ कि गौरी ने उसे अमीर ए आखूर शाही अश्वशाला का अधिकारी बनाया, जो उस समय का एक महत्वपूर्ण पद था। इस पद पर रहते हुए ऐबक ने गोर, बमियान, गजनी के युद्धों में सुल्तान की सेवा की। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य कुशलतापूर्वक भाग लिया, इसमें गौरी विजय हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही गौरी ने ऐबक को भारत के विजित प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया था और वह गजनी वापस चला गया। ठीक है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐबक ने दिल्ली के निकट
इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। गौरी के वापस गजनी जाने के बाद 1192 में उसने अजमेर बम्बेट के विद्रोह का दमन किया। 1194 ईस्वी में उसने अजमेर के दूसरे विद्रोह का दमन किया। इसी वर्ष 1194 में गौरी व जयचंद्र के बीच हुए कन्नौज के युद्ध में अपने स्वामी की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तत्पश्चात 1197 ईस्वी में गुजरात की राजधानी छिंदवाड़ा को लूटा तथा वहां के शासक भीमदेव को दंडित किया। 1202 ईस्वी में उसने बुंदेलखंड के राजा परमादिदेव को परास्त किया तथा कलिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध गौरी का हाथ पटाया। वस्तुतः गौरी की सैनिक योजनाओं को मूर्त रूप एवक नहीं दिया, वह एक अत्यंत अत्युत्तम सेनानी था। उसकी भारत की विजय में उसकी निरंतर सतर्कता उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी गौरी का दृढ़ संकल्प। मोहम्मद गौरी योजना तैयार कर उसका निर्देशन करता था तथा एवक उसे कार्यान्वित करता था। इस समय जब मध्य एशिया के अभियान बार बार गौरी के कार्यों में बाधक सिद्ध हो रहे थे तो ऐबक ही था इसने भारत में अपने स्वामी की प्रसारवादी नीतियां चलाई। इस प्रकार ऐबक ने अपने स्वामी का न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों को जीतने में सहायता की बल्कि समय समय पर उसके अनुपस्थिति में विजित प्रदेशों को तुर्कों के आधिपत्य में रखा और राज्य विस्तार किया। अब दोस्तों ऐबक जब शासक के रूप में गद्दी पर बैठा और उसने तो सल्तनत काल में मामलूक वंश की स्थापना की तो उसका पद क्या था? शासक के रूप में, ऐबक शासक के रूप में, ठीक है। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। उसने अपने कुटुंब के किसी भी व्यक्ति या गौर के किसी जनजाति सरदार पर विश्वास नहीं था। उसे इसलिए अपनी सल्तनत की रक्षा के लिए वह अपने दासों पर विश्वास करता था। मिनाज उसराज के अनुसार गौरी ने कहा था कि अन्य संतानों के एक बेटा हो सकता है या दो, मेरे अनेक हजार बेटे हैं अर्थात मेरे तुर्की गुलाम जो मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे और जो मेरे बाद उन राज्यों के खुतबे में मेरा नाम तुच्छ रखेंगे, ठीक है। मोहम्मद गौरी के तीन प्रमुख विश्वास पात्र दास थे। पहला ताजुद्दीन एल्दौज, दूसरा नसुद्दीन कुबाचा और तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये तीन विश्वास पात्र दास थे मोहम्मद गौरी के। 1206 में जब गौरी की अकस्मात मृत्यु हो गई, संतान न होने की स्थिति में उसने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना। उस समय उसके तीन विश्वास पात्र दासों अर्थात ताजुद्दीन एल्दौज, नसुद्दीन कुबाचा एवं कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थिति एक समान थी। अतः तीनों दासों ने गौरी के साम्राज्य को आपस में बांट लिया। इस बंटवारे में एल्दौज को गजनी, ठीक है, कुबाचा को सिंध और मुल्तान तथा तीसरा सदस्य कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी के समय उत्तरी भारत में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहा था तो उत्तरी भारत के प्रांत प्राप्त हुए। यह एक विशाल क्षेत्र था जिसमें सिंध और मुल्तान को छोड़कर गौरी के भारतीय साम्राज्य का समस्त क्षेत्र शामिल था। इसमें सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, कोल, अलीगढ़, कन्नौज, बनारस, बिहार, लखनौती के क्षेत्र शामिल थे। किंतु राजपुताना के कुछ क्षेत्रों जैसे करंजर, थंगनीर आदि में राजपूतों का विरोध आरंभ हो चुका था। इन क्षेत्रों में तुर्की सत्ता को पूर्ण संकुचित करना अनिवार्य था। अतः ऐबक ने साम्राज्य विस्तार के से ज्यादा राज्य की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया। भारत में ऐबक की राजनीतिक जीवन को तीन चरणों में बांटा जा सकता है। 1192 से 1206 ईस्वी तक मुजुद्दीन के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के कुछ भागों का शासक, 1206 से 1208 ईस्वी तक गौरी की भारतीय सल्तनत का मालिक सुपसलार का था, ठीक है।
यानी दोस्तों भारत में जो ऐबक की राजनीतिक जीवन था 1192 से 1276 वह गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत पर का शासक हुआ। फिर 1206 से 8 तक गौरी की भारतीय सल्तनत का मालिक ऐसे पसला था और 8 से 10 तक एक स्वतंत्र भारतीय राज्य का सर्वसत्ताधारी रहा। इन 3 चरणों में प्रथम सैनिक गतिविधियों में व्यतीत हुई। तो प्रथम चरण था वो सैनिक गतिविधियों में, दूसरा राजनीतिक कार्यों में, तीसरा दिल्ली साम्राज्य का मानचित्र निर्मित करने में व्यतीत हुआ। शासन वह शासन पर कब बैठा? औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा, किंतु उसकी सत्ता को औपचारिक मान्यता और संभवत नियुक्ति पत्र 3 वर्ष बाद अर्थात 1208 में मुजुद्दीन के वैध उत्तराधिकारी तथा गजनी का शासक महमूद द्वारा प्राप्त हुआ। उसने ऐबक के पास शासन छत्र दूरवास पताका नकारा भेजकर सुल्तान की पदवी से विभूषित किया। इस प्रकार भारत में दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो गई। शासनारोढ़ के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की बल्कि मलिक एवं सिपहसालार की पदवी से ही अपने को संतुष्ट रखा। यह पदवी उसे अपने स्वामी गौरी से प्राप्त हुई थी। इसी कारण ऐबक ने न तो अपने नाम के सिक्के चलाए और न ही अपने नाम का फतवा पढ़वाया। आरंभ में उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ये इम्पोर्टेंट मैं क्लोज, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब वह शासक बना तो उसकी कुछ कठिनाइयां थी भाई, वो क्योंकि भाई मोहम्मद गौरी के कई हजार दास थे और प्रमुख रूप से कुछ शक्तिशाली दास थे, उसमें एल्दोज, कुवाचा और ऐबक थे, ठीक है दोस्तों। जब तीनों का बंटवारा हो गया तो ऐबक को छोड़कर एल्दोज और कुवाचा में राज्य विस्तार और ऐबक के राज्य हड़पने की लालसा जाग गई, ठीक है। तो दोस्तों ऐबक ने इस कठिनाई को कैसे पार किया, किस प्रकार एल्दोज और कुवाचा को शांत किया, आइए देखते हैं। पुत्र ऐबक की कठिनाइयां, ठीक है, ऐबक की कठिनाइयां। जिस समय ऐबक दिल्ली के सुल्तान बना उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय उसके अधीन भारत में अनेक क्षेत्र थे जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम सीमा से लेकर मध्य भारत तक था। पूर्वी भारत में बिहार और बंगाल भी तुर्की राज्य में शामिल था। बंगाल पर तुर्कों का अधिकार था किंतु तुर्कों की शक्ति शिथिल पड़ती जा रही थी, ठीक है। बंगाल में तो जो बख्तियार खिलजी था उसने सब कुछ नष्ट कर दिया था, इसलिए तुर्कों का अधिकार हो गया था। ऐबक के प्रतिद्वंदी एल्दोज, कुवाचा और बंगाल बिहार के खिलजी सरदारों ने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। कलिंजर और ग्वालियर स्वतंत्र हो गए थे। गोरी के राज्य पर अधिकार कर लेने का मुजी और कुतुबी अमीर भी ऐबक से खुश नहीं थे। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में ऐबक का दो कार्य करने थे। प्रथम पहला कार्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और दूसरा कार्य अपने प्रतिद्वंदियों से निपटना। उसने साम्राज्य विस्तार के बदले अपना पूरा ध्यान विजित क्षेत्रों की सुरक्षा और प्रशासनिक गठन में लगाया। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। स्वयं ताजुद्दीन एल्दौज की पुत्री से विवाह किया तथा अपनी बहन का विवाह नसुद्दीन कुवाचा से किया। इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था दोस्तों। इस तरीके से उसने जो है अपनी कठिनाई जो पार पा लिया। एल्दौज से संबंध।
शासन के आरंभ में ऐबक ने अपने दोनों प्रतिद्वंदियों अर्थात यल्दौज और कुवाचा के साथ मित्रता की नीति अपनाई, किंतु वे स्थिति अधिक दिनों तक नहीं बनी रह सकी। ऐबक की भांति यल्दौज भी गोरी का दास था तथा अपने आप को गोरी का उत्तराधिकारी मानता था। उसे भी गोरी के उत्तराधिकारी यासुद्दीन महमूद ने दासता से मुक्त कर गजनी पर शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इससे यल्दौज का मनोबल बढ़ गया। वह अपने आप को गोरी का वास्तविक उत्तराधिकारी मानने लगा तथा पंजाब पर अधिकार करने की योजना बनाने लगा। इस उद्देश्य से वह गजनी से प्रस्थान किया तथा पंजाब पर आक्रमण कर दिया। कुतुबुद्दीन ने उसे पराजित कर 1208 में गजनी पर भी अधिकार कर लिया, किंतु गजनी पर ऐबक का अधिकार कुछ समय के लिए रहा क्योंकि वहां की प्रजा यल्दौज की समर्थक थी। स्थानीय सरदारों के विरोध के कारण ऐबक को गजनी छोड़कर वापस लाहौर लौटना पड़ा। यल्दौज ने पूर्ण गजनी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद यल्दौज अपने उसने ऐबक के समय पूर्ण पंजाब पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। कुवाचा, कुवाचा से संबंध। ऐबक का दूसरा प्रतिद्वंदी नसुद्दीन कुवाचा था जो मुल्तान और उच्च का सूबेदार था। इन उच्चिया सिंध गोरी की मृत्यु के बाद एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा। ऐबक ने उसके साथ अपने संबंध निश्चित किए। यल्दौज के विपरीत कुवाचा के साथ ऐबक ने मैत्रीपूर्ण व कूटनीतिक चाल चली। उसने अपनी बहन का विवाह कुवाचा के साथ कर दिया जिससे दोनों की पिता समाप्त हो गई। कुवाचा ने ऐबक की दिनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार अपने कूटनीतिक चाल से उसने अपने प्रबल प्रतिद्वंदियों को शांत कर दिया। और तीसरा था दोस्तों, तीसरी कठिनाई थी ख्वारिज्म शाह। ऐबक की कठिनाई केवल यल्दौज और कुवाचा तक ही सीमित नहीं थी बल्कि ख्वारिज्म शाह की बढ़ती शक्ति भी उसके लिए चिंता का विषय था। ख्वारिज्म शाह की नजर गजनी पर थी। यल्दौज उसकी शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में यदि गजनी पर ख्वारिज्म शाह का अधिकार हो जाता तो वह दिल्ली पर भी अपना दावा कर सकता था। इसलिए ऐबक की कठिनाई मुख्य कठिनाई भारत को मध्य एशिया की राजनीति से पृथक करना भी था। बंगाल की कठिनाई, मोहम्मद गौरी के समय उसके एक सरदार इतरुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने पूर्व में तुर्किस्तान की स्थापना की। उसने बिहार से आगे बढ़कर नदिया बंगाल लखनौती पर भी अधिकार कर लिया था। अली मर्दान खान ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लखनौती पर अधिकार कर लिया, किंतु उसकी स्थिति मजबूत नहीं थी। खिलजी सरदार उसके विरुद्ध विद्रोह करने लगे।
कुतुबुद्दीन ऐबक की बंगाल बिहार की जो कठिनाई थी, ठीक है, उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। तो खिलजी सरदारों ने अली मर्दान, अली मर्दान कौन था दोस्तों, ये बख्तियार खिलजी की हत्या करने वाला था, ठीक है। जब बख्तियार खिलजी की हालत थोड़ी गंभीर हो गई थी, उसके पास में काफी कम मात्रा में घोड़े बचे थे, ठीक है, और बीमार हो चुका था। जब वह आराम कर रहा था तो अली मर्दान ने, ठीक है, उसकी हत्या कर दी और लखनऊ की प्रशासन कर लिया। खिलजी सरदारों ने अली मर्दान को कैद कर उसके स्थान पर मोहम्मद शेरा को गद्दी पर उस शर्त पर बैठाया कि वह दिल्ली की दीनता स्वीकार नहीं करेगा। अली मर्दान किसी तरह कैद से भागने में सफल रहा और ऐबक से जा मिला। ऐबक को बंगाल अपने नियंत्रण में लेने का यह सुनहरा अवसर था। ऐबक ने इक्तदार कैमाज रूमी को उस समय अवध का सरदार था ने मोहम्मद शेरा को पराजित कर अली मर्दान को पूर्ण बंगाल का इक्तदार सूबेदार बनाया। पूर्ण गद्दी प्राप्त करने के बाद अली मर्दान अपने अंतिम समय तक ऐबक के प्रति स्वामी भक्त रहा तथा बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। तो राजपूत राज्य भी कठिनाई थे उसके लिए, तो गोरी की मृत्यु का लाभ उठाकर राजपूत राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। कलिंजर और ग्वालियर तुर्कों के हाथ से निकल गए तथा बदायूं और फर्रुखाबाद से तुर्कों को निकाल दिया गया। ऐबक को इन राजपूतों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, लेकिन अकस्मात मृत्यु के कारण वह इस क्षेत्र में निर्णायक कार्रवाई नहीं कर सका। 510 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों इसकी उपाधियां कुरान खां, लाखबख्श, हजरत आला, लगता हातिम। इसने किसको संरक्षण दिया, हसन निजामी और फकरे मुदब्बिर को, याद करिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट ये, हसन निजामी और फकरे मुदब्बिर। अब बात करते हैं भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां और उसका मूल्यांकन। ऐबक की उपलब्धियां एवं मूल्यांकन, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वह छोटी अवधि के लिए अर्थात मात्र 4 वर्ष तक ही शासन करता रहा, इस बीच उसने भारत में तुर्की राज्य की नींव डाली। गोरी के गुलाम के रूप में जीवन आरंभ कर अपनी योग्यता के बल पर धीरे धीरे उन्नति करते हुए सुल्तान के पद पर जा पहुंचा तथा एक ऐसे राज्य का संस्थापक बना जो भारत में स्थायी रहा। एक शासक के रूप में ऐबक की उपलब्धियों को सभी इतिहासकारों ने सराहा है। डॉक्टर हनीबुल्ला के अनुसार उसने तुर्कों की निर्भीकता और फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि तसल्लीनता पाई जाती थी। अबुल फजल, जिसने महमूद गजनबी पर निर्दोष व्यक्ति का खून बहाने का आरोप लगाया, ऐबक की प्रशंसा में लिखता है कि उसने भले और महान कार्य किए। प्रशासनिक क्षेत्र में उसने किसी नवीन संस्था का निर्माण नहीं किया, परंतु जिन अब्बासी गजनबी और भारतीय परंपराओं का उसने अनुपालन किया वही परवर्ती शासक द्वारा भी किया गया। 4 वर्ष की अवधि के शासन काल में उसने शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसकी सेना में तुर्क गोरी, खुरासानी, खिलजी और हिंदुस्तानी सैनिक थे। उसने अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया। हसन निजामी ने लिखा कि कुतुबुद्दीन अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान करता था। वह अपने राज्य की शक्ति और समृद्धि को समृद्धि के लिए प्रयत्नशील था। इतिहासकार मिनाज ने लिखा कि ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदय बादशाह था। वह बहुत दानशील था। अपनी उदारता के कारण वह इतना दान करता था कि समकालीन लेखकों ने उसे लाखबख्श, लाखों का दान करने वाला, पीलबख्श, हाथियों का दान करने वाला की उपाधि से विभूषित किया है। फरिश्ता ने लिखा कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। तो अब बात करते हैं कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां क्या क्या थी, ठीक है, उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी। पहले बात करते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक
साहित्य एवं साहित्य और कला का संरक्षक था। ठीक है, साहित्य और कला। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फकरी मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने उसे अपना ग्रंथ समर्पित किए। हसन निजामी ने ताजुल मासिर तथा फकरी मुदब्बिर ने आदाब उन हर्ब या अल सुजाता नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, ये इसको बोला गया है युद्ध का इतिहास, युद्धों का इतिहास। कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार और यह है दोस्तों कुतुबुल इस्लाम कुब्बतुल इस्लाम कुब्बत कुब्बतुल इस्लाम यह है कुतुब मीनार। आप सभी को पता होगा कुतुब मीनार मीनार यह क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, अजमेर में ही। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापत्य कला संबंधी उपलब्धियां थी उसको देखते हैं। ऐबक ने राजधानी के रूप में दिल्ली नगर का विकास भी किया। उसने दिल्ली में अजमेर में दो मस्जिदें बनवाई। 1195 से 99 ईस्वी के बीच दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। यह भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, याद करिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। जो पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरा के स्थान पर निर्मित है, कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 जैन मंदिरों के ध्वंसाप से संपर्क किया गया था। दूसरा मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा है जो अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण भी ऐबक ने करवाया था। उसने दिल्ली में 1199 में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसने दिल्ली में काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, किंतु अकस्मात मृत्यु के कारण से पूरा नहीं करवा सका, जिसे 1230-31 में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, 1230-31 में कुतुब मीनार के निर्माण से उत्तरी भाग में एक नई स्थापत्य शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐबक के पास समय का अभाव रहा, वह अपने जीवन में दिल्ली सल्तनत को पूर्ण स्थापत्य प्रदान नहीं कर सका। उसके कार्य अधूरे रह गए। इस कारण उसके पश्चात इल्तुतमिश को अधूरे कार्य की पूर्ति के लिए प्रयास करना पड़ा। ऐबक की मृत्यु के बाद अगला शासक तो 15 आराम शाह बना। आराम शाह इल्तुतमिश से पहले बना दोस्तों। ठीक है, जो 1210 से 1211 ईस्वी शासक बना आराम शाह। आराम शाह 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु के बाद एक बार पूर्ण उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि संबत ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। सैनिक वर्ग के हृदय को संतुष्ट देने, साधारण जनता को शांत रखने या उपद्रव रोकने के लिए तुर्की अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। आराम शाह की कुतुबुद्दीन से संबंध के विषय में विद्वानों मतभेद है। अबुल फजल का विचार है कि आराम शाह ऐबक का भ्राता था। कुछ विद्वान उसे ऐबक का पुत्र मानते हैं, किंतु जुवेनी ने लिखा कि ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। मिनहाज के अनुसार ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थीं। आराम शाह एक कमजोर व अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, जबकि उस समय की कठिन परिस्थितियों में तुर्कों राज्य को एक योग्य और अनुभवी शासक की आवश्यकता थी। अनेक योग्य तुर्कों अमीरों ने उसके गद्दी पर बैठाए जाने का विरोध किया। अमीरों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बंगाल अली मर्दान खां के अधीन स्वतंत्र हो गया। कुवाचा ने सिंध के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में दिल्ली के तुर्क अमीर सरदारों में प्रमुख अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को सुल्तान का पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया। यह याद रखिएगा दोस्तों, अली इस्माइल इल्तुतमिश उस समय बदायूं का सूबेदार था। उसने तत्काल निमंत्रण स्वीकार कर दिल्ली की ओर कूच किया। जड़ दिल्ली के निकट नामक स्थान पर
इल्तुतमिश आराम शाह के मध्य युद्ध हुआ, इसमें इल्तुतमिश विजय हुआ और आराम शाह की हत्या कर दी गई। इस प्रकार आराम शाह का शासन केवल 8 माह में समाप्त हो गया, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना दो। तो अब आगे की जो क्लास होगी वो इल्तुतमिश से शुरू होकर पूरे गुलाम वंश की काल होगी। ठीक है, कल भी क्लास चलेगी, अब छुट्टी नहीं होगी एक भी। तो धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।